सो हेलो जी, की हाल चाल? डेट आपको बताइए, आज है 10th of August ट्यूसडे। भानगढ़ से आज अपन जा रहे हैं अलवर। अलवर में आज आपको नई नई चीज़ें दिखाने वाले हैं। सिल्ली सेठ, बाला किला, गरवा जी का मंदिर ट्राई करेंगे। 12 बज चुके हैं, टाइम कितना लगेगा यहाँ से पहुँचने में कुछ भी नहीं कह सकते, बट वहाँ पहुँच के ज़रूर से आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। अच्छे से सारा कुछ घुमाऊँगा, फिराऊँगा, मज़े दिलवाऊँगा। तो चलो मिलते हैं गोप्रो पर। भानगढ़ को छोड़ने का निकलते हैं यहाँ से अलवर। आज घुमाएंगे आपको अलवर की नई नई जगह। तो होप करता हूँ आपको आने वाले व्लॉग सारे पसंद आने वाले हैं। और प्लीज़ जिसने भी भानगढ़ वाला मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो भानगढ़ से निकल गए हैं फाइनली, और टाइम हो गया भाई 1:10, और अभी यहाँ से लगेंगे हमें 2 घंटे। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करते करते, 3 बजे तक भी पहुँच जाएंगे। तो 4 बजे सिल्ली सेठ, हाँ हो जाएगा। आज आपको पूरा व्लॉग करके देंगे बिल्कुल। तो जी, अगर आप लोग आएंगे जयपुर से तो आपको इधर से आएंगे और आपको भानगढ़ के लिए मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट, और भानगढ़ से वापस आ रहे हैं तो अपने को जाना पड़ेगा लेफ्ट दोबारा से, राइट नहीं होना है अपने को। और ये जाएगा सीधा अलवर। वेट कर रहा हूँ धर्मेंद्र भैया का। ये आ गए अपने धर्मेंद्र भैया, बढ़िया है हम यहाँ रुक गए, नहीं तो धर्मेंद्र भैया तो राइट होके निकल जाते हैं। तो चलो जी, आज के नज़ारे कुछ ऐसे होंगे, ये बिल्कुल घर जैसे होंगे, घर पे बैठ के देख सकते हो। टीवी, मोबाइल, LED किसी पर भी जाके आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आप घर बैठ के चुमिंदा रसों के पलों के आनंद लीजिए। सीनरी देख रहे हो भाई सामने, अमेजिंग भाई। गर्मी इतनी थी ना, मतलब एनर्जी लेवल ऐसे से ऐसे हो गए डाउन। लुक एट दिस व्यू गाइस, दैट्स अमेजिंग। लुक, दीज व्यूज आर अमेजिंग। सीरियसली प्यार, इनसे तो मुझे है प्यार, पहाड़ों से है प्यार भाई। लोगों, इस सीन और सिनेरियो को देख के ना ऐसा फील आ रहा है कि मैं हिमाचल में हूँ, जम्मू में हूँ या उत्तराखंड में हूँ, बट राजस्थान वाला फील ही नहीं आ रहा भाई। देखो ये, देखो और ये भी देखो, बिल्कुल डिफरेंट है भाई। राजस्थान वाला तो फील ही नहीं आ रहा इधर में। आई वॉज थिंकिंग आई वॉज इन हिमाचल प्रदेश, यू नो माई फेवरेट प्लेस, माई फेवरेट स्टेट, बट हम राजस्थान में खुश है भाई। ऐसे नज़ारे हमें हमारे घर के पास मिलते रहे तो कोई लोड ही नहीं है फिर तो। टेल मी सच सच, बोले तो टेल मी सच सच भाई, ये लोकेशन देख के किस किस को फील आ रहा है कि हम राजस्थान में हैं या नहीं, मेरे को तो बस इतना बताओ। और कहाँ का फील आ रहा है ये भी बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई लोगों, पक्के से। मुझे तो 1% भी फील नहीं आ रहा भाई। आई वॉज इन राजस्थान द हर टर्न पे, मतलब अलग लोकेशन हर टर्न पे। ओ ये लुक, वहाँ ऊपर कुछ है, मतलब महल टाइप में बना हुआ है भाई। दूर से तो वो देखो फोर्ट वाला फील दे रहा है भाई। देखो सारे बच्चे मेरे को बाय 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 बाय, फर्स्ट मस्त मज़े आ रहे हैं बच्चों के साथ ना यार, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। अलग ही लेवल के यार, मतलब गेट वगैरह बने हुए हैं, मतलब हटके है भाई बिल्कुल। अच्छा हम इसी रोड से आए, उस रोड से नहीं गए। कौन सी मारा नहीं गया भाई ये भी बता दो, जिसको पता हो इसके बारे में तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बताना भाई। अभी पीछे में आया था एक सर्कल, वहाँ से हो गए हम राइट अलवर है अभी। यहाँ से 73 किलोमीटर, कोई नहीं चलना है तो चलना है। रोड बहुत सेक्सी है, मतलब दोनों तरफ खेत वेत और ये सब ग्रीनरी, और उसके बीच में रोड A1। बस थोड़ा मौसम और ठंडा होता तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता। तो भैया को लगी थी प्यास, रुके थे यहाँ पर पानी वानी पीने के लिए। चलते हैं अब आगे, जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे की। अलवर है अभी यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर अराउंड। ओहो सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है भाई। भानगढ़ से जो जयपुर वाला रोड है ना, कुछ कुछ पैचेस ऐसे आते हैं, बहुत रोड भी बहुत ख़राब है और बहुत यू नो नैरो है। तो कोई नहीं, मज़ा आ रहा है, नज़ारे बहुत सेक्सी हैं। तो भाई लोगों इधर स्टार्ट हो चुका है सरिस्का। कभी फ्री टाइम में सरिस्का, प्रॉपर एक सरिस्का के व्लॉग बनाएंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो कोई नहीं जी
एक दिन स्पेशल आएंगे इसके लिए बनाने के लिए व्लॉग, बट अभी अपन जाएंगे आज सिल्ली सेठ और बाला किला। अगर बाला किला नहीं होता है तो फिर सिल्ली सेठ और गरवा जी का मंदिर करेंगे, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बाला किला और सरिस्का के एक अलग व्लॉग बना देंगे बाद में। भाई रोड सीरियसली बहुत गंदे थे बीच में, अब जाके तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, ये बीच में तो सीरियसली बहुत गंदे रोड थे। अभी आया भाई अकबरपुर, वेलकम टू अकबरपुर। यहाँ से अभी अलवर है भाई 17 किलोमीटर, जी हाँ 17 किलोमीटर। टाइम से पहुँच जाए, अभी तो लंच भी नहीं किया, लंच करेंगे देन आफ्टर सीधा निकलेंगे वहाँ से सिल्ली सेठ, सिल्ली सेठ, सिल्ली सेठ से गरवा जी, गरवा जी से आराम से वापस आके टाइम बचता है तो आज ही कर देंगे बाला किला भी। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम बाला किला और सरिस्का के लिए पर्सनली आऊँगा, आप लोगों से प्रॉमिस है। तो भाई पहुंच चुके हैं अपन सिल्ली सेठ के रोड पे, यहाँ से सिल्ली सेठ जाता है अंदर लेफ्ट में, सीधा जाता है अलवर। तो अभी रुक के वेट कर रहा हूँ धर्मेंद्र भैया का, बस धर्मेंद्र भी आ जाए फिर चलते हैं अंदर, खाते पीते हैं फिर उसके बाद। तो ये रहे अपने धर्मेंद्र भैया, थोड़ा पीछे थे रुके, अभी सामने जाके चाय वाय पी के आए हैं, चाय और पानी का ब्रेक लिया था, अब सीधा चलते हैं यहाँ से गरवा जी वाटरफॉल। तो ये आ गया सिल्ली सेठ का कट। अब आप सोच रहे हो हम यहाँ क्यों नहीं जा रहे, भाई अभी अपन यहाँ जाएंगे बाद में, पहले चलते हैं अपन आपको बड़ी ऐसी जगह घुमाने, गरवा जी वाटरफॉल। तो गरवा जी है यहाँ से अभी 9 किलोमीटर, तो लग जाएगा करीबन यहाँ से 20 मिनट्स के अराउंड, तो लेके चलते हैं आपको गरवा जी। भाई अभी रोड पे पता नहीं क्या दिखा, ऐसा लग रहा था छोटा मगरमच्छ, अच्छे से हवा निकल गई अभी तो मेरी, तो मैंने कहा भैया ये क्या आ गया, बस कैमरा ऑफ था इतने में तो वो झाड़ियों में घुस गया। सिल्ली सेठ में जब अच्छे से पानी आ जाता है, मतलब बरसात वगैरह जब अच्छे से ज़्यादा आ जाती है, तो ये पूरा है ना फुल पानी से भर जाता है ये, और जबकि ये खेत हैं बेचारों किसानों के, बट जब बरसात आती है ना अच्छे लेवल पे तो ये सब भर जाता है पूरा का पूरा। रोड तो बन चुका है, मैं एक बार अपनी कार से आया था अपने कज़न्स के साथ, मेरे एक्चुअली यहाँ काफ़ी कज़न्स रहते हैं अलवर में, तो मिलवाएंगे आज आपको इस व्लॉग में सबसे, उनके साथ आया था। ये रोड जो दिख रहा है ना, रोड नहीं हुआ करता था, पूरी मिट्टी हुआ करती थी। अलवर में ना भाई लोगों बहुत सी जगह हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ अलवर के बारे में। एक है तो भाई अगर अलवर सिटी के आसपास आपको जाना है तो डैडीगढ़ फोर्ट है, फोर्ट के बाद आपका एक वाटरफॉल पड़ता है उसके आगे, मेरे को नाम याद नहीं है, वहीं पर ये बाला किला है, और इस साइड आओगे तो यहाँ पर सिल्ली सेठ है, गरवा जी है, और एक जगह और है वो मेरे दिमाग से उतर रही है, और सरिस्का भी अच्छी जगह है यहाँ घूमने लायक, मतलब 5-6 जगह हैं जो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो अलवर को, मतलब 2-3 दिन के लिए निकाल के आओ बट अच्छे से मज़ा आएगा। अभी अपन पहुंच चुके हैं गरवा जी वाटरफॉल, जी हाँ बाइक पार्क करके आए हैं, पर्ची उन्होंने दे दी है, ये एक मंदिर है गरवा जी का यहाँ पर। उसके बाद अपन चलते पहले वाटरफॉल में, वाटरफॉल के नज़ारे कुछ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं तो पहले आया हुआ हूँ एक बार, बट जब मैं आया था तब भी बरसात ऐसा ही था कि मतलब पानी नहीं मिला था खास हमें, बट अभी जाके देखते हैं कि पानी शायद से हमें अच्छा लेवल का मिल जाए। पत्थर है, हार्ड ट्रेल्स है, चढ़ चढ़ के आना पड़ रहा है, बट इस चीज़ का भी मज़ा कुछ अलग हटके है। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, अभी अपन को पानी में से होकर निकलने का, पानी में से होकर निकलने की कोई दिक्कत है नहीं। टिप टिप अपने तो थे राइडिंग शूज़, अपने कोई दिक्कत आई नहीं, भैया का ऑलरेडी पहले ही सोल उखड़ चुका है, ऊपर से बाइक क्रॉसिंग कर रहे हो, कैसा फील आ रहा है? जूता ख़राब है, पसीने दे ही रहे हैं अपन, और छाला हो ही गया है, सारे कांड आज ही हो रहे हैं साहिल के संग, तो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि जूता ये मतलब घुमा फिरा के हो जाएगी। नीलम भाभी को ही दिखाना चाह रहे हैं व्लॉग, भाभी आप मत देखना कृपया करके इस व्लॉग को, सही बात है मेरी लग जाएगी, लग जाएगी, नहीं चलो ऊपर। वी आर एट गरवा जी, जी हाँ यहाँ भाई बहुत सही वाटरफॉल चल रहा है, बंदे नहा रहे हैं, फुल ऑन एश चल रही है,
कुछ आपको भी नज़ारे दिखाई देते हैं। तो अभी अपने को चलना है भाई सिल्ली सेठ, तो अपन तो जा नहीं सकते ऊपर। धर्मेंद्र भी अगर भाई मन नहीं है ऊपर जाने का, तो यहाँ से बस फ्री होके निकलते हैं, उसके बाद सीधा सिल्ली सेठ। सिल्ली सेठ पे कुछ बातें बातें करते हैं आपके साथ बैठ के। ये कोई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, सिर्फ एक वाटरफॉल है, और जितनी अच्छी यहाँ बारिश होगी उतना ज़्यादा वाटरफॉल बढ़िया मस्त मज़ा चलता है और फुल ऑन रश हो जाता है इधर। तो गरबा जी को करते हैं बाय बाय भाई। बस बरसात नहीं थी, बाकी मौसम बहुत सही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ आके थोड़ा फील हुआ कि हाँ ठीक जगह पर आए हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं सिल्ली सेठ। यहाँ बाइक पहले ही भाग पार्किंग में लगवा लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं 10 रुपये चार्ज है। ठीक है भैया, थैंक यू। अब निकला जाए सिल्ली सेठ। सिल्ली सेठ से चलेंगे बाला किला का, नहीं हो पाएगा आज क्योंकि टाइम ही नहीं बचा अपने पास। अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, तो नहीं हो पाएगा आज बाला किला, नहीं हो पाएगा। बाला किला के लिए स्पेशल बात में आएंगे अपन, मैं फिर उसमें कवर करूँगा दाढ़ीगढ़ फोर्ट, बाला किला और जो भी आसपास का, मतलब जो भी होगा सब कवर करेंगे आप लोगों के लिए करेंगे। 4:30 पहुँचते तो सिल्ली सेठ पे बच जाएंगे हमें एग्जैक्टली, मुझे जहाँ तक लगता है 20 to 25 minutes। मेरे यहाँ कुछ कज़िन्स रहते हैं, तो उनसे मिलना भी है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो मुझे कुछ वहाँ से सामान भी पिक करना है घर के लिए भैया से, और मिलते हुए भी चलेंगे। पहुँच चुके हैं सिल्ली सेठ। सिल्ली सेठ की एंट्री है, ऊपर आपको लेके चलते हैं। GoPro की भाई बैटरी डेड होने वाली है, एक बैटरी रह गई है सिर्फ, चार्ज जो है तो इसके बाद बस वही लगानी है और वो एंड होगी, जो भी जहाँ तक भी होगी वो एंड ही होगी यार। ये गया सिल्ली सेठ का रास्ता, जो मेन मज़ा है वो यहीं पर ही है। ऊपर में कुछ भी नहीं है, ऊपर में सिर्फ एक होटल बना हुआ है और नथिंग। यहाँ से आपको कुछ दिखाते हैं ड्रोन शॉट्स, तो होप करता हूँ आपको वो ड्रोन शॉट्स पसंद आए और मुझे भी बता। सो लुक एट दिस, वेयर वी आर एट सिल्ली सेठ। जी हाँ, यहाँ की खूबसूरती है ना शब्दों में बयान नहीं की जाती। यहाँ की खूबसूरती आप खुद देखिए किस लेवल पर है, अलग ही लेवल का फील आ रहा है इधर। अंदर में बोटिंग होती है, वो आपको मेन गेट से वहाँ अंदर जाना होता है, उसके 100 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, उसके बाद वहाँ आपको बोटिंग का चार्ज अलग देना होगा। तो आई वॉज़ लाइक कि नहीं यार, वहाँ पैसा वेस्ट करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अंदर ऊपर जाके सिर्फ रेस्टोरेंट है, होटल, वहाँ पकौड़े चाय वगैरह आपको ये मिल जाएंगे, वही चीज़ यहाँ भी मिल जाएगी, बट वहाँ जाके क्यों पैसा वेस्ट करें। नज़ारे जो हैं वो आपको मैं जल्दी से ड्रोन शॉट पे दिखाने वाला हूँ। देखो भाई, अपन तो है गरीब आदमी, अभी यूट्यूब स्टार्ट करा है, बाकी धर्मेंद्र भैया की सपोर्ट से, धर्मेंद्र भैया के प्यार से कुछ ड्रोन शॉट हमें दान में मिल जाएंगे ना भैया। आए हाय, प्यार मोहब्बत में मिल रहे हैं भाई, दान में भी एक टाइम आएगा हम दान में मांगेंगे भैया दे दो। चलो तो आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट्स, गेट रेडी।
सो फाइनली अभी निकलते हैं सिल्ली सेठ से। भाभी भाई, सो फाइनली पहुंच गए। क्या हाल चाल? और मेरे प्यारे दड़ियल, अभी घर पहुंच चुके हैं। टाइम हो चुका है 10:10, मतलब मैं 9:50 के अराउंड आ गया था। सीधा राइडिंग गियर उतारे, कपड़े उतारे और मैं घुस गया बाथरूम में। नहा धो के तब जाके थोड़ी तसल्ली मिली है। रास्ते में इतनी डस्ट थी, हाल खराब हो गए थे भाई लोगों। सेफली पहुंच गए, वो ज्यादा मैटर करता है। रास्ते में नाइट हो चुकी थी। अलवर से जो भरतपुर तक का व्लॉग है उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है भाई। अंधेरा हो चुका था, बैटरी हो गई थी लो। बैटरी थी नहीं, गरीब आदमी हूँ, दो ही बैटरी थी। तो एक सुबह में खर्च, एक शाम के टाइम पे खर्च हो गई। तो थोड़ी बहुत बची थी मैंने भरतपुर के लिए बचा के रखी। तो व्लॉग एंड करने के लिए तो मैंने कहा चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। जो नहाने के बाद सुकून मिला है ना भाई लोगों, वो अलग लेवल का। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? होप करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और जो भी इस चैनल पर नया है ना भाई लोगों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, छोटे भाई को सपोर्ट करो। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा तो आपका भी हक बनता है। सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा भाई लोगों, प्लीज़। तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो छोटे भाई के लिए। तो अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नई राइड पर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।